देश का कानून इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे भारत देश को। हमारा भारत देश जो है, कहते थे सभी लोग यहाँ पाए जाते हैं, सभी जाति के लोग यहाँ पाए जाते हैं, सभी जाति को यहाँ पर मिलकर खुलकर जीने की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी अब कहाँ नज़र आ रही है। आज़ादी ये है कि क्या हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं, ये क्या चल रहा है हमारे देश में। हम सभी को इंसान बन के सोचना होगा, ना कि हिंदू मुसलमान। सभी के लिए एक बराबर संविधान जो है, हम सबको एक होने का कर्तव्य देता है कि हम सब एक होकर रहें। संविधान हमें ये सिखाता है कि हमें सब चीज़ का नॉलेज हो, हमारा क्या, हमारे प्रति क्या, और लोगों के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य। संविधान हमें ये सिखाता है, क्योंकि हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब एजुकेटेड लोग हैं, जिनको सारी चीज़ें पता नहीं है। संविधान आप खोल कर पढ़िए, सबसे ज़्यादा देश का संविधान पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को हूबहू समझ में आ जाएगी। इसलिए गीता कुरान तो अपनी तरफ ठीक है पढ़ना, लेकिन आप लोग देश का संविधान पढ़ें। और मैं यही कहूँगी कि अभी भी जो हमारा कल्चर है वो भारतीय कल्चर है, ना कि यहाँ पे अंग्रेजों लोगों का कल्चर हम लोगों पे थोपना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप, इसे तो जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। पता नहीं ये क्यों नहीं बंद हो रहा है हमारे भारत